चलिए बिल्कुल शांति से आज का क्लास हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग जिस परीक्षा के लिए बैठे हैं इसमें बहुत ही ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। 5,000 लोगों पर आपके एक व्यक्ति पास हो, आप भारत जैसे विशाल युवा के जनसंख्या के देश में रहते हैं, इसका फायदा भी है और नुकसान है कि युवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती। अगर आप अमेरिका में रहते तो शायद इसी रेलवे के परीक्षा के लिए इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा से होकर नहीं गुजरना पड़ता। तो आप जो भी युवा वर्ग इसके लिए फॉर्म भरे हैं, एक एक टॉपिक ईमानदारी से बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें पिछला क्लास तो हम कल शुरू किए थे, लेकिन पिछला क्लास साउंड वगैरह भी कहीं दिक्कत था, और ऐसे भी पहला जिलेबी जो छनाता है वो चूल्हा में ही झोंक दिया जाता है, वो तो ऐसे ही ट्राई में चलता है। तो पहला जलेबी वो ऐसे ही है, उसमें कोई बहुत नहीं है। आज से मुख्य अब क्लास शुरू हो रहा है। आप लोग देखे होंगे जलेबी छानने वाले को पहला छान के और चूल्हा में दे देता। तो आज से मुख्य क्लास आपका प्रारंभ हो रहा है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी लोग बैठे हैं वो इतनी ईमानदारी से पढ़ेंगे कि 5,000 में अगर एक का चयन होना है तो आप होंगे। हमारी जिम्मेवारी इतना ही है कि मैं आपको दिशा निर्देशन दे सकूं क्या आएगा नहीं आएगा, और ईमानदारी से उस बात को आपको समझा सके। समझाने में हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी, हम इसके लिए पूरा कटिबद्ध हैं और पूरा हम प्रयास करेंगे कि जो भी लोग जिस उम्मीद से बैठे हैं, जिस उम्मीद से हमसे बिहार से, बिहार से बाहर से, दूसरे राज्य से लोग जो जुड़े हैं, जिस उम्मीद के साथ और जिस अरमान के साथ जुड़े हैं उसमें मैं खरा उतर सकूं, हमारी ओर से कोई कमी ना रहे, मैं प्रयासरत रहूंगा। तो चले बिना विलंब किए आज फिजिक्स का क्लास प्रारंभ करते हैं। फिजिक्स में पिछले क्लास में हम प्रकाश प्रारंभ किए थे और आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम चलने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आपको समय बच सके इसलिए मैं पहले से ही कुछ चीज लिखे रहूंगा जिससे आपका समय बच सके। तेजी में हम लोग ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करेंगे चूंकि समय कम है। तो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें आज एक क्वेश्चन निश्चित आपसे बनेगा, उस टॉपिक को देखेंगे। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, सभी के गुण को हम समझाएंगे और हमारा 20 मिनट का क्लास इस समझाने का होगा और फिर 15 मिनट आपके प्रश्न राउंड से हम चलेंगे। हमारा प्रतिदिन का रूटीन समझ लें, 3 से 4 आपके 20 फिजिक्स के साथ होंगे, साइंस से अभी चलेंगे, और 4 से 5 ग्रुप डी और एनटीपीसी में, दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के साथ होंगे और दोनों विषय हम लोग इसको अभी कमांड करेंगे। एक चैप्टर जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग दूसरे विषय को करेंगे 20 तक, सभी विषय का एक एक पार्ट अभी आपका टच होगा, फिर हम लोग उसके होल एंड सोल सिलेबस की ओर लग जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखे हैं प्रकाश के गुण में, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पहला गुण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन जो आप देख पा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन जो आप देख पा रहे हैं, यह आप देखें क्या है, किसे कहते हैं और डिटेल ये आगे पढ़ाएंगे। आज केवल एक आउटलाइन दे रहे हैं कि इस प्रॉपर्टीज के बारे में आप समझ सके, आज केवल आउटलाइन है इसका और इससे एक क्वेश्चन निश्चित आपको पूछेगा और बन जाएगा। तो चलें देखिए, कुछ लोग होंगे कि बोर्ड पर सर नहीं है, पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप मुझे नहीं देखें, हमें पूरा देखने पर कई लोग हमें ही देखते रहता है, अंगूठी कहाँ है, कैसा है और कहाँ क्या, सर को ही देखते। मुझे जो देखना है, मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए, हमारी विचार आप तक पहुंच जाए और आपको जो समझाना चाह रहे हैं वह आप तक पहुंच जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण। और हम जिस माध्यम से भी पढ़ा रहे हैं इसमें हमारा चेहरा भले कम हो, टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर हो। इसमें मैं बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो कई चीजों को नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वहां पे निकालने में टाइम लगेगा, और यहाँ पे हम जो चाहेंगे आपको पूरे हम हाई सिस्टम से आपको समझा पाएंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, परावर्तन एक छोटी सी घटना है, सब लोग समझते हैं, प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा के लौट जाए तो ये परावर्तन। और इसमें कोई क्वेश्चन, हम लोग दर्पण का डिटेल देखेंगे, समतल, उत्तल, अवतल। अभी सिर्फ यही समझ ले कि आपको हमने एक छोटा सा दर्पण दिखाया और आप इस दर्पण को देख पा रहे हो, जितना बड़ा इसमें वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा, और यह समतल दर्पण है। अगर अगला दर्पण दिखाएंगे
तो ये मोटर गाड़ी का साइड मिरर, और साइड मिरर आप सीखोगे उत्तल दर्पण का यूज है क्यों होता है, ये आगे का क्लास। इसके बाद हम लोग देखें, अभी इस व्यक्ति का चेहरा आप खूब मजे में देख पा रहे हो, देखिए कितना व्यक्ति खुश है क्योंकि यह अपना चेहरा बहुत बड़ा बड़ा देख रहा है, और इसीलिए आपसे पूछेगा हजामत बनाने में कौन दर्पण। देखिए इतना बड़ा चेहरा बने तो एक दाढ़ी मूछ भी नहीं छूट सकता है, क्योंकि जैसे ही छूटेगा उसमें पूरा दिखाई देगा, और यही अवतल दर्पण। और आप लोग के परीक्षा में मुझे डर है, जो लोग सेकेंड लेवल तक में भरे हैं सीबीटी 2 में जाएंगे, उनको हजामत केवल नहीं पूछेगा कि हजामत बनाने में कौन सा दर्पण, वो पूछेगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने में करते हैं, इसमें चेहरा कहां रखेंगे। अब ऐसा पूछेगा कि बैठने वाले का ही हजामत बन जाएगा कि भाई बहुत मुश्किल से हजामत तो हम पढ़े थे, चेहरा कहां रखते हैं, तो बड़ा कठिन चीज पूछ देता है। तो उसके लिए डिटेल दर्पण जब चलेंगे तो उसमें आपका क्लियर करेगा। अभी आपको मैं कोशिश सिर्फ यही कर रहा हूं कि परावर्तन से दर्पण काम करता है, और दर्पण के तीनों वेराइटी आप देख पा रहे हो, समतल, उत्तल, अवतल, बस कंसेप्ट हो। अब मुख्य क्वेश्चन अपवर्तन और इससे आगे से चलेगा। तो अभी हम टॉपिक, मैं अपने चेहरा को और थोड़ा छोटा कर लूं, बोर्ड के लिखे हुए चीज को थोड़ा बड़ा कर लूं, तो सभी लोग बोर्ड के लिखे हुए सिस्टम पे ध्यान दे। अपवर्तन को हम लोग इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं, यहां से गंभीर टॉपिक, मैं चाहूंगा सब लोग पूरे ध्यान के साथ इस पर देखें, और जो हमारा 20 मिनट समझने का राउंड है उसको खूब बढ़िया ईमानदारी से समझे। जैसे आप साइकिल चलाते हो और जैसे ही आप रोड पर से बालू में आ जाओगे, क्या आपके हैंडल सीधा चलेंगे कि मुड़ जाएंगे? सिंपल बात है भाई, हमारे लाइट वाले ड्राइवर साहब का भी वही होता है। वो भी बेचारे जब लाइट की गाड़ी लेकर चलते हैं तो जब तक एक माध्यम है, हवा है या पानी है, मिजाज से सीधे चलते हैं, लेकिन जैसे ही माध्यम बदलता है वो बेचारे का भी हैंडल पैंडल मुड़ जाता है। और इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन के हम लोग कुछ उदाहरण देखें, उदाहरण ही महत्वपूर्ण है और बाकी आपको परीक्षा में क्या आएगा इसको समझ लें। अपवर्तन में क्या वेग बदलेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश के अपवर्तन में क्या पथ बदलेगा, प्रकाश के अपवर्तन में क्या तरंग दैर्ध्य बदलेगा, प्रकाश के अपवर्तन में क्या आवृत्ति बदलेगा, आपको कई सारे सिस्टम पूछेंगे। इवन यहां तक दे देगा कि हवा से पानी में गया तो क्या बढ़ जाएगा, क्या परिवर्तित रहेगा। तो अपवर्तन जब हम डिटेल पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक को आपको टच करेगा। अभी हम लोग सिर्फ यही ध्यान दें कि अपवर्तन के कारण उदाहरण देखिए, ग्लास में जब हम किसी पेंसिल को डाले तो सीधा नहीं, अंदर मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, आप साफ देख पा रहे हैं। तो आपको देगा ग्लास में छड़ डालने से मुड़ा हुआ प्रतीत है, प्रकाश के किस गुण के कारण, तो अपवर्तन। दूसरा हम लोग देखें, जल के अंदर मछली जो है वो वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं दे, आप मछली को देख पा रहे हो रखे हैं कहीं और उठ के वो ऊपर दिखाई दे रहा, तो जल के अंदर मछली भी अपने वास्तविक स्थान पर नहीं दिखाई दिया, गहराई कम प्रतीत हुआ, इस सब का कारण अपवर्तन। तीसरा नंबर हम लोग देखें, इसी के कारण तारे टिमटिमाते हैं। हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एग्जाम्पल है कंपटीशन के लिए, बाकी अपवर्तन में डिटेल पढ़ाऊंगा, आपके अंदर जितना शौक है शौक पूरा हो जाए। अभी मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूं कि इसके आउटलाइन से परिचित हो जाए, फिर अपवर्तन तो खूब डिटेल चलेगा। अभी इसमें हम प्रयास कर रहे हैं उदाहरण आज के क्लास में सबको क्लियर हो जाए। तो बताएं उदाहरण में पहला नंबर देखें, अपवर्तन के कारण बर्तन में छड़ रखने से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा नंबर हम लोग देख लिए, जब किसी बर्तन में जल भरते हैं तो तल उठा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा नंबर भी हम लोग देख लिए, मछली जल में वास्तविक स्थान पर दिखाई नहीं देता है। चौथा नंबर हम लोग देख लिए, तारे टिमटिमाते हैं। और पांचवा नंबर भी हम लोग समझ लें, ये आपका थोड़ा सीबीटी 2 का लेवल का है।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो लेवल हाई कर रहे हैं। यदि हवा न रहे, सोचिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछता है, पूरे कल्पना करवाता है, और यही चीज जल्दी आपको नहीं मिलेगा जिसको खूब समझना है। यदि हवा न रहे तो दिन की अवधि छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उतना ही बड़ा रहे। जो अभी दिन है, हवा न रहे तो दिन छोटा होगा, बड़ा होगा, उतना ही बड़ा रहेगा। अभी सुन लें, जो लोग हमारे साथ मोबाइल पर हैं, उनके मोबाइल में एक ऑप्शन होगा हैंड्स रेज, जो आप आंसर सही लगे उसमें हाथ उठाएंगे, हमें मालूम चलेगा कितने लोग क्या सोच रहे हैं। क्लास वाले लोग सीधा हाथ उठा के हमसे जुड़ेंगे, अभी हैंड्स रेज नहीं करना है, आपको जब पूछेंगे तब बताना है। बोले सोच के, हवा न रहे तो दिन की अवधि कितने लोग को लग रहा है बड़ा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा दिन होगा वो हाथ उठाए, दिन की अवधि बड़ी हो जाएगी कितने लोग को लग रहा है हाथ उठाए। चलिए बहुत बढ़िया, मोबाइल से भी हमारे लगभग 60-70 जो है पार्टिसिपेंट है, नहीं बढ़ गए, इन्होंने अपना मत दिया बड़ा हो जाएगा, क्लास में हाथ कम में उठा। कितने को लग रहा है कि यदि हवा न रहे तो दिन छोटा हो जाएगा, ऐसा कितने को लगता है वो हाथ उठाए। अरे वाह, मोबाइल में भी इसमें सबसे ज्यादा और क्लास में भी कई लोग हैं। और कितने को लग रहा है कि हवा न रहे तो दिन को क्या होना है, अपरिवर्तित रहेगा, ऐसा कितने को लग रहा है ये हाथ उठाए। वेरी गुड, इसमें तो सबसे ज्यादा हाथ है, वाह, तब तो तुम लोग सीबीटी टू कर ही लोगे। हवा ना रहे तब दिन की अवधि छोटी हो जाएगी, सही आंसर छोटी हो जाएगी, ये अपरिवर्तित मारे तो आपको शून्य अंक मिलता है। अब आपको भी लग रहा होगा कि क्या लफड़ा है सर, तो इसको दो मिनट में खाली एक दो सेकंड समझाने का प्रयास करें, समझे ठीक से। हवा रहने से होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, गंभीरता से ध्यान दें। और सूर्य अगर यहां उगने के बाद आपको दिखाई देता है तो हवा रहने से प्रकाश के किरण का अपवर्तन होता है, ये थोड़ा नीचे ही रहता है तो यह सूर्य का किरण दिखाई देना शुरू कर देता है। और अगर डूब गया मान लो यहां पे, अगर सूर्य यहां डूब गया तो सोचिए, अगर हवा है तो डूबने के बाद भी दिखाई दे रहा है, अब सोच लो हवा नहीं रहेगा तो यहां से दिखाई दे और यहां से दिखाई दे, हवा है तो इस कंडीशन में सोच लीजिए कि हवा रहने से फायदा, देर तक सूर्य उग रहा है और देर तक दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आएगा यदि हवा न रहे तो दिन की अवधि, तो आंसर छोटी हो जाए, कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अब हम लोग उदाहरण क्लियर कर लिए, तारे टिमटिमाते हैं, दिन की अवधि लंबी होती है, मछली अपने स्थान से ऊपर दिखाई देता है, बर्तन में कोई भी छड़ या पेंसिल रखते हैं मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, हम समझते हैं अपवर्तन सबका क्लियर हो चुका है। तीसरा प्रॉपर्टी, चले आज सभी प्रॉपर्टीज को देख लो, और ये बेस है, ये जितना बेहतर करोगे कल पूरे कलर का दुनिया घूमेंगे, कलर से जिंदगी में कभी क्वेश्चन भेंट होगा चाहे किसी चीज का रहे, मैं यूपीएससी तक दावा करता हूं तुमसे बनेगा। और एक छोटा मोटा चीज तुम शॉर्टकट के लिए बैठे हो कि ग्रुप डी भरे हैं तो कुछ हल्का आ जाएगा तो तुम मूर्ख हो, मूर्ख हो। हाथी बैठ भी जाता है तो गधा से ऊंचा रहता है, ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये कंपटीशन है, हर एक अंक के लिए फाइट है। सेटर अगर हल्का क्वेश्चन दे देगा तो आज लड़के इतने पढ़ रहे हैं कि 100 में 100 लाने वाले इतने लोग हैं जितने सीट है उससे ज्यादा, और तुम लेवल लो सोच के खुश है कि रेलवे में रहे हैं, हाँ इंटर पर भरे हैं, कहीं तो इतना खुश होता है इंटर पर भरे हैं, बहुत खुश है। अरे इंटर पर भरे, वो सिटी कितना है उसका, उसका लेवल जितना लो करेगा भरने वाले की संख्या समझते हो करोड़ में, और जो करोड़ में लोग हैं और हल्का क्वेश्चन देगा, इंटर ग्रेजुएशन मिला के 35,000 सीट है और मालूम चलेगा 40,000 लड़के 100 में 100 नंबर ला रहे हैं, रेलवे क्या करेगा। और इसीलिए सीधा सिंपल एक ही उपाय है कि प्रश्न का कुछ लेवल हाई, कुछ लो, कुछ मीडियम, और इसीलिए जिनको पास होना है एकदम हाई लेवल तक सोचो, हाँ समझने में दिक्कत ना हो, हमारा प्रयास ये हो, बाकी लेवल में कोई कंप्रोमाइज नहीं।
तो आप चलें, अंतिम में मैं सब पूछूंगा कितना आपको याद हो पा रहा, उदाहरण आपके दिमाग में कितना बैठा। लास्ट बार रिवीजन कर लेना है। अपवर्तन, बर्तन में छड़ डालने से मुड़ा हुआ प्रतीत हुआ, मछली अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई दिया, तारे टिमटिमाते हैं और हवा रहने से अपवर्तन से दिन की अवधि लंबी होती है। अरे मैंने क्या बोला, हवा रहने से दिन की अवधि लंबी होती है, कहां गलत बोला, नहीं रहेगा तब तो छोटी होगी। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग जरा ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गौर करेंगे, गौर करना, सारा घर में बैठ के कैसे याद करोगे, कैसे तेज होगे, कैसे फिजिक्स ठीक होगा, मैं सिस्टम बता दूं। उसको जो सोचने लगेगा इसमें सुनने वाला कोई लड़के तेज हो जाओ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। मजेदार बात समझाएं, नाम लगा हुआ है परावर्तन, कैसा भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। माध्यम पानी है लेकिन लाइट भेज रहे हैं तो ये हवा में नहीं जा पा रहा है, पानी से पानी में ही रह गया, तो समझोगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठेठ में समझाएं, इतना लोड लेके समझेगा तो नहीं समझ में आए, ठेठ में बात समझ लो। तुम लोग कई बार बचपन में खेल किया, ये पानी है और इसमें पत्थर मारेंगे तो गारंटी नीचे जाएगा, लेकिन आपने कई बार खेल किया, इसमें बैठा हुआ कई लड़का रिसर्च किया कि इस एंगल पर पत्थर फेंकेंगे तो ये उछल के फिर हवा में आ जाता है। ऐसा कभी रिसर्च किया है तुम लोग? कई कई लड़का तो दो तीन बार उछला देता है, वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब तुम पत्थर मारो और ऊपर उछल जाए तो पूछे कि खाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें पत्थर को नीचे जाना चाहिए था लेकिन मैंने एक खास एंगल का रिसर्च किया। आपको एंगल पढ़ाएंगे, वो क्रांतिक कोण से अधिक हो, वो आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं चाहता हूं कि उसका आउटलाइन मिले। जब मैं बोलूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो मुस्कुराओ कि समझ गए, पानी में पत्थर फेंके वाला उछलने वाला। और बस अगर किसी माध्यम में लाइट भेजे और पहले माध्यम में ही वापस हो जाए तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप बिल्कुल फिगर बढ़िया से देख पा रहे हो। मैं पूरे प्रयास देखो अपने फोटो से ज्यादा इन फोटो पर कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ये सब ज्यादा एक्सेप्ट करता है। तुम्हारी आदत हो सकता है कहीं लाइव पढ़ रहे होगे, टीचर का चेहरा देख रहे हो, 15 दिन ऐसे पढ़ोगे तो टीचर को नहीं खोजोगे, यही सब खोजो। ये फिजिक्स क्लास, इसमें जितना एनिमेशन देखोगे उतना ही आपका दिमाग शार्प होगा कि जी अब एकदम समझ गए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। देखिए इसमें कितना बेजोड़ बात हो रहा है, यहीं तक पानी है और ऊपर हवा है, लाइट को निश्चित हवा में जाना चाहिए था क्योंकि हवा में तो आता, लेकिन एक खास एंगल का रिसर्च है और एक क्रांतिक कोण से ज्यादा है। इस एंगल पर जब इस लेजर लाइट से लाइट को भेजा गया तो यह पहले माध्यम में ही रिटर्न हो गया, तो आप मुस्कुराओगे कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बेस क्लियर हो गया सबसे? उदाहरण पर ध्यान दीजिए, चूंकि परीक्षा में तो मेन उदाहरण पूछता है। पहला उदाहरण, इसी के कारण रेगिस्तानों में मृग मिरिचिका बनता है। रेगिस्तान में मृग मिरिचिका बनता है, ध्रुवीय प्रदेश में लूमिंग बनता है। लूमिंग मीन्स जहाज का उल्टा प्रतीत होना। मृग मिरिचिका मिराज, अंग्रेजी में मिराज कहते हैं। यह है क्या? कई लोगों के दिमाग में लोड पड़ रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या कर दी। तो आपको मजेदार बात समझाएं, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में धूल कण बालू बहुत गर्म हो जाते हैं और नीचे गर्म हवा और ऊपर ठंडा हवा है, और इसमें अगर किसी व्यक्ति को प्यास लग जाए और वो पानी खोज रहा है तो ऊपर का हवा ठंडा होने से सघन है और नीचे गर्म हवा विरल है। और जब यह व्यक्ति सोच रहा है कहाँ पानी है तो जब पेड़ से प्रकाश चल रही है सघन से विरल, तो कुछ प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पहले माध्यम में ही वापस होगी और इस व्यक्ति को ये पेड़ सीधा और उल्टा दोनों दिखाई देता है। और हमारा दिमाग इतना समझदार है कि कोई चीज उल्टा देखता है तो दिमाग मुस्कुराता है कि समझ गया वहां पानी है। और जब तुमको रेगिस्तान में प्यास लगी है कि पानी कहां से मिलेगा, तो तुमको सामने दूर में एक पेड़
लगेगा उल्टा है वहां पानी है, और अगर इसके चक्कर में दौड़ जाओगे तो प्यास और बढ़ जाएगी, वहां पानी नहीं है, अगला पेड़ के पास वैसे ही दिखेगा, और अगर फिर दौड़ जाओगे तो मारे जाओगे उस हिरण की तरह, मृग की तरह, जो अपने नाभि में कस्तूरी रहते हुए उसी सुगंध को खोजते हुए मर जाता है। इसी के नाम पर इसका नाम मृग मिर्च का। बढ़िया से समझना, कई लड़का सोचता है मृग मिर्च का क्या, तुम लोगों के अंदर भी मृग मिर्च का ये है क्या, थोड़ा समझा दे मृग मिर्च का को। मृग मिर्च का समझ लीजिए, कई हिरण के नाभि में कस्तूरी बहुत सुगंधित पदार्थ होते, और जब उस सुगंधित पदार्थ किसी झाड़ी में वो घास चरने गया और उसका सुगंध उसको आकर्षित किया, है उसी के नाभि, लेकिन उसको लगता है कि कहां से ही सुगंध आ रहा है, भोजन छोड़ के खोजने में लग जाता है, और जिस झाड़ी में जाता है लगता है कि अब खोज दिए, क्योंकि सुगंध को पास पाता है, सुगंध उसी में से निकल रहा है, और अगर इस चक्कर में दो तीन दिन परेशान रह गया तो भूखे मर जाए। हमारे लड़कों में भी वही कंपटीशन की तैयारी कर रहे, ताकत सब उसके अंदर है, पूरा एनर्जी उसके अंदर है, और सारा एनर्जी के भूल के उसी मृग मिर्चिका के पेड़ में लगा, लगता है वहां ज्ञान है, लगता है वहां है, और लूमिंग है मृग मिर्चिका, सारा तुम्हारे अंदर है। सिलेबस समझो, पाठ समझो, आउटलाइन समझो, बैठ गए तो हिरण की स्थिति नहीं हो। अब आप मृग मिर्चिका को खूब बढ़िया से समझ गए होंगे, आपको इसीलिए इसको किया गया कि आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, परीक्षा में मान ले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मृग मिर्चिका प्रकाश के किस गुण के कारण बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब नेक्स्ट उदाहरण को जरा देखें, अब आप समझ पा रहे होंगे, मृग मिर्चिका का चित्र देख पा रहे हैं, व्यक्ति जो पेड़ को देख रहा है, आप देखें नीचे भी पेड़ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप लोग कभी मृग मिर्चिका देखे हो, देखे होंगे, गर्मी में अगर रोड पर साइकिल चलाना तो कई बार लगेगा कि वहां भींगा हुआ है, अगर कभी ऐसा महसूस हो जाए तो समझना कि ओ मृग मिर्चिका, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट हम लोग देखें अगला उदाहरण, तो आप बिल्कुल समझ रहे हो, हीरा चमकता है। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, प्रकाश के किस गुण के कारण हीरा चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला नंबर हम लोग चले, इसी के कारण ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। ये ऑप्टिकल फाइबर मॉडर्न में डिटेल करेंगे, आप लोग रोड के किनारे हरा पीला ये सब तार बिछते हुए देखे हो, गड्ढा करके हरा पीला पाइप में बिछते हुए देखे, और वो जो बिछते आप देखे हैं उसी का नाम ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर जो आप देख पा रहे हो, इसी ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है। नेक्स्ट हम लोग अब इसको रिवाइज कर ले, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब पानी में पत्थर फेंके पहला में वापस, इसका उदाहरण इसी के कारण हम लोगों ने फर्स्ट एग्जाम्पल समझा, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मृग मिर्चिका बनता है, ध्रुवीय प्रदेश में लूमिंग होता है, जहाज उल्टा दिखाई देता है, इसी के कारण हीरा चमकता है, इसी के कारण ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, इसी के कारण टूटे हुए कांच का किनारा चमकता है। आप लोग देखे होंगे टूटा हुआ कांच, देखे हो उसका किनारा, देखना बहुत ब्राइटनेस रहेगा, बहुत चमके, और वो कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये अभी आज के क्लास में खूब बढ़िया से समझ पाए। अगला गुण आपका चौथा आ रहा है, सभी गुण को एक बार खूब ईमानदारी से सुनिए, तब लिखिए, तब हमारे साथ प्रश्न में चलिए, उसके बाद मैं दावा करता हूं किसी प्रश्न में दिक्कत नहीं होना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस है क्या, पहले एक मिनट हम थोड़ा सा बेस देंगे, डिटेल में फिर पूरे समझेंगे एक बार फिर। व्यतिकरण का मतलब है अगर एक ही स्रोत से दो लाइट निकला है और ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहा है, सुपरपोजिशन कर रहा है, तो कुछ जगह इसकी तीव्रता घट जाएगी, कम चमकेगा, और कुछ जगह इसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, ज्यादा चमकेगा, तो यह इंटरफेरेंस व्यतिकरण है। आप लोग देखे होंगे कई बार ऐसी घटना दिखाई देगी आपको
आपको कई बार लगेगा कि कुछ जगह खूब चमक रहा है और कहीं कम चमक रहा है। अगर कहीं ज्यादा चमके कम चमके तो आप समझ लोगे व्यतिकरण है। कई लोग इसके फेर में पड़ा है, वो चुटकुला था, एक व्यक्ति झुक करके बेचारा सोचा किसी का 5 रुपए का सिक्का गिरा हुआ और रोड पर से उठाने लग, लेकिन अंतिम में बड़ा मुस्कुराते हुए उठ गया, वो सिक्का नहीं था। अब तुम लोग समझ गया हो, वहां व्यतिकरण हुआ था, उसका कुछ पार्ट चमक रहा था और वो सिक्का नहीं था। बाकी डिटेल में नहीं बोलूंगा, कई बात समझने की होती है। तो इसमें व्यतिकरण का मतलब आप लोग समझ गए, इसमें कुछ पार्ट चमकेगा। तो उदाहरण जरा गौर करिए, ये सुंदर सा उदाहरण आप लोग देख पा रहे हो। देखो अब जो देखोगे इसके बाद परीक्षा में पूछे ना, कहां मजा आएगा तुम। इसी के कारण मोर का पंख चमकता है, तुम देख पा रहे होगे मोर का कुछ पार्ट कितना सुंदर लग रहा है और कुछ पार्ट कम चमक रहा है, ब्लैक है। कहीं ज्यादा चमके कहीं कम चमके तो तुम मुस्कुराओगे कि यह इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण है। देख लीजिए इस मोर को भी, ध्यान दीजिए। अब आज क्लास को आगे बढ़ाए, मोर का पंख आप देख पा रहे हैं, मोर का पंख ऊपर का पार्ट कितना चमकीला दिखाई दे रहा है और फिर ये चमकने का कारण प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। इसके नेक्स्ट बाद हम लोग देखें, इसी के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। सभी उदाहरण को आप ध्यान दें, आपसे पूछेगा साबुन का बुलबुला प्रकाश के किस गुण से रंगीन दिखाई देता है, व्यतिकरण। इसी के कारण आप देख पा रहे हैं सब साबुन का बुलबुला ही है और इस सब साबुन का बुलबुला प्रकाश के व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई दे रहा। कुछ पार्ट खूब चमक रहा है और कुछ पार्ट देखिए एकदम उदास दिखाई दे रहा। ये रंगीन दिखाई दे, उदास दिखाई दे तो आप समझोगे प्रकाश का व्यतिकरण। इसके बाद हम लोग देखे हैं, इसमें इसी के कारण भींगे हुए सड़क पर तेल का सतह चमकीला दिखाई देता है। अब आप उदाहरण को एक बार हम वार्म अप करें। व्यतिकरण के कारण पहला मोर का पंख चमकीला दिखाई दिए। ये हो सकता है मैं मोर पढ़ा के भेज रहा हूं और वहां बुलबुल पूछेगा, परीक्षा है परीक्षा, हम मोर पढ़ा के भेजे और कहेगा बुलबुल चमकीला दिखता है प्रकाश के किस गुण से। अब लड़के बुलबुल नहीं पढ़े थे, तो आपको दिमाग रखना होगा। भींगे सड़क पर तेल का सतह चमकीला दिखाई देता है, हम ऐसे पढ़ा के भेजेंगे और वो कहेगा भींगे रोड पर तेल रंगदार प्रतीत होता है प्रकाश के किस गुण से। लड़का रंगदार तेल कब से हो गया? अरे यहाँ रंगदार का सेंस रंग से, आप जो पढ़ रहे हो हुबहू नहीं सोचना कंपटीशन, इसमें भाषाई परिवर्तन खूब करता है और उसको मेन ध्यान आपको रखना है। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग जो देखें, थर्ड इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। तो हम समझ गए व्यतिकरण का उदाहरण बुलबुला का चमकीला होना, मोर का पंख चमकीला होना, भींगे सड़क पर तेल का सतह चमकना, व्यतिकरण भी क्लियर है सबका। नेक्स्ट हम लोग अगला नंबर देखें, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान देंगे, स्कैटरिंग को गंभीरता से जरा समझने का प्रयास कीजिए। स्कैटरिंग क्या है? तो कहता है स्कैटरिंग का मतलब जरा ध्यान दे, प्रकाश इस प्रकार से चल रही है, तरंग दैर्ध्य तरंग है और ये हमारा ये भी तरंग है और जिसका ये डिस्टेंस ज्यादा है ये हमारा लाल रंग है और जिसका डिस्टेंस कम है ये बैगनी रंग है। कम डिस्टेंस हुआ तो बैगनी, ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो लाल, और यही तरंग दैर्ध्य है, इसी को आप रटते हो कि लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम है, यही आप याद करते हो। बताओ अब इसके रास्ते में छोटे छोटे धूल कण आ जाए तो ये धूल कणों से ही बिखरता है टकराकर। बोलिए ज्यादा बार कौन टकराएगा, लाल की बैगनी? बैगनी, चूंकि लाल तो लंबा छलांग लेके चल रहा है तो जो ज्यादा बार टकराएगा वो ज्यादा बिखर जाएगा और जो ज्यादा बिखर जाएगा वो दूर तक नहीं जाएगा। और इसीलिए लाल कम बार टकराता है तो दूर तक जाता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं।
अब महत्वपूर्ण बात समझे, छोटे छोटे धूल कण से प्रकाश के विभिन्न रंग के बिखरना प्रकीर्णन कहलाता है। छोटे छोटे धूल कण से प्रकाश के विभिन्न रंग का बिखरना प्रकीर्णन कहलाता है, और प्रकाश के प्रकीर्णन का पहला उदाहरण आप देख पा रहे हो। इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं। ये सिग्नल लाल बनाने का रीजन है कि दूर तक ही जाए, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। आपसे पूछेगा खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं क्योंकि लाल का प्रकीर्णन ज्यादा होता है कि प्रकीर्णन कम होता है? प्रकीर्णन कम होता है, बिखरना को प्रकीर्णन कहते हैं। दूसरा उदाहरण पर हम लोग ध्यान दें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा दूर है और लाल रंग का बिखराव कम होने से वो सबसे दूर तक जा सकता है, इसीलिए सूर्य उगते और डूबते समय लाल प्रतीत होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात, प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। देख लीजिए बोर्ड पूरा नीला कर दिया, बोर्ड जो नीला हो गया ये स्काई है, आसमान है। और पूछेगा आसमान का रंग नीला क्यों है, रीजन सब समझ जाइए, धूल कण के कारण प्रकाश के किरण बिखरते हैं और सबसे ज्यादा बिखराव जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसी का होगा, और बैगनी और नीला रंग का तरंग दैर्ध्य कम है, और बैगनी नीला का तरंग दैर्ध्य कम होने से ये ज्यादा बिखरता है, इसीलिए आसमान नीला प्रतीत होता है। ये सीबीटी 1 का क्वेश्चन, प्रकाश के किस गुण के कारण आसमान नीला है, आंसर प्रकीर्णन। लेकिन सीबीटी 2 में जाओगे तब जानते हो क्या पूछेगा, तब पूछेगा कि यदि हवा ना रहे तो आसमान कैसा दिखेगा। अब सीबीटी 2 में उल्टा पुल्टा करता है, हवा ना रहे तो क्या धूल कण रहेगा, और धूल कण नहीं रहेगा तो इसी आसमान का प्रकीर्णन नहीं होने से काला दिखेगा। कई बार सीबीटी 2 का क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन है हवा, अब बताओ क्वेश्चन दे रहा है अंतरिक्ष से, अब ऊपर आसमान नहीं है हवा नहीं है, अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखेगा चॉइस ए लाल, चॉइस बी काला, चॉइस सी हरा, चॉइस डी नीला, आपको कुछ भी दे दिया। क्वेश्चन फिर से सुन लो, अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखेगा, कितने को लाल लग रहा है वो हाथ उठाओ, और जो हैंड स्ट्रेच में है वो हैंड स्ट्रेच करना मोबाइल से, लाल किसी को लग रहा है नहीं, इतने मूर्ख तो कोई नहीं हो, एक दो लड़के मूर्ख में इसमें हाथ उठाया है। काला कितने को लग रहा है हाथ उठाइए, अंतरिक्ष से पृथ्वी काला दिखेगा, अरे तो बहुत हाथ उठा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मोबाइल वाले भी गर्दा उड़ा दिए एकदम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, देख रहा हैंड स्ट्रेच एकदम जबरदस्त चल रहा। अच्छा कितने लोग को हरा दिख रहा है वो हाथ उठाओ, हरा, अंतरिक्ष से पृथ्वी हरा नहीं, और कितने को नीला लग रहा है उन लोग हाथ उठा दो जरा, अरे नीला में भी लोग है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब समझ गए होंगे परीक्षा में क्यों पूछता है, क्योंकि इसी डिजाइन का वो जानता है लोग हाथ उठाएंगे। मजेदार बात सुन लो, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखता है, सही आंसर डी, जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कई लड़के तो ज्ञान रटुआ वाला लिए हो, नीला ग्रह था पृथ्वी, और अंतिम में पूछ रहा है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी, तो काला मार के जा रहा, क्योंकि उसने हाँ गलती कहा है, सुन लो ध्यान दीजिए, गलती है सेट प्रैक्टिस। आज तक लड़का सेट बनाया तो अंतरिक्ष देखा तो काला रटा, कि अंतरिक्ष रहेगा तो मारो हमार प्रैक्टिस जबरदस्त। ये प्रैक्टिस के तो हालचाल देख रहे हो बाबू, थोड़ा सा स्पिन बॉल करेगा ना तो प्रैक्टिस वाला चले जाओगे, कंसेप्ट वाला बचो। तो इसमें फिर से सुन लीजिए, अंतिम ब्रेक मार दें, अंतरिक्ष से आसमान तो काला, अंतरिक्ष से पृथ्वी तो नीला। अब अंतरिक्ष बोलेगा तो होश में चलना, यहाँ पे थोड़ा सीबीटी 2 का लेवल हमने अचीव करवाया। खैर अब हम लोग सुन लिए, प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला, हम लोगों ने देखा सूर्य उगते डूबते समय लाल, हम लोगों ने देखा खतरे के सिग्नल लाल बनाते हैं, क्लियर है। अंतिम में मैं फिर पूछूंगा, सब समझा, सही करोगे तो समझेंगे कि ब्रेन रखा,
72 पर जब चलेंगे ना हाई पेमेंट वाला क्वेश्चन, पूरा मूड फ्रेश कर देगा कि जी हाँ अब समझ में आ रहा फिजिक्स किसे कहते हैं। ये तो हम लोग बैठ के मार के रगड़ के रटते थे, कंसेप्ट वाला देखना भी घुमाएंगे और तुम पक्का उलट जाओ। ध्यान जो दे रहा है समझ रहा है उसी से सही हो। तो चलिए प्रकाश के अगले गुण की ओर हम चलें। तो नेक्स्ट गुण हम लोग चलें प्रकाश के विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन क्या है? कहता है किनारों से प्रकाश का मुड़ जाना विवर्तन। और इसमें अच्छा प्रश्न लेवल का पूछेगा, उसको भी चलेंगे। वन और टू लेवल दोनों समझोगे, दोनों लेवल ही समझना कंपटीशन की तैयारी। अभी मैं समझाऊंगा, उसमें तुम महसूस करोगे कि ओ इतना सूक्ष्म दृष्टि मुझे चाहिए इसको समझने के। किसी भी किनारे से लाइट का मुड़ना विवर्तन है, डिफ्रैक्शन है। और इसी के कारण आप देखे होगे पत्ते का परछाई गोल बनता है, पेड़ के पत्ते का परछाई गोल बनता है, ये प्रकाश का विवर्तन। अब बताओ पत्ते का परछाई में कई किनारे में डिजाइन है और सारा डिजाइन नीचे गायब होगी, ये प्रकाश का विवर्तन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सेट बनाने में भी कई बार भेंट हुआ हो। पेड़ के पत्ते का परछाई प्रकाश के किस गुण के कारण गोल है? आंसर विवर्तन। नेक्स्ट तुमको इसी में पूछेगा चाकू के परछाई में धार स्पष्ट नहीं होता है। बोलो अगर हम रात में पढ़ाए और परछाई देख के तुमसे हम कहे कि बता दो बजा हुआ चाकू है कि भोथर चाकू, क्या परछाई देख के बता दोगे? नहीं। तलवार की परछाई में धार स्पष्ट नहीं हो, ये सभी रीजन आप लोग हाथ से बचपन से एक परछाई से खेल बनाए हो, क्योंकि परछाई में आप देख पाओगे कि उसका मूल स्वरूप बदल जाए। और जब मूल स्वरूप बदल जाएगा तो आप समझ लोगे कि विवर्तन है, डिफ्रैक्शन। तो किनारे से लाइट का मुड़ना विवर्तन है। अब देखो क्वेश्चन एक कितना जबरदस्त क्वेश्चन से महसूस करो, ये सब जल्दी नहीं मिलेगा। बताओ माध्यम बदलेंगे तो प्रकाश का पथ बदल जाएगा, ये तो सब लोग समझ रहे। क्वेश्चन देगा, अब देखो कितना घुमाता है, बिना माध्यम बदले प्रकाश का पथ बदलना कहलाता है अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। लड़के जो एकदम फास्ट ट्रैक के लड़के हैं, सेट प्रैक्टिस वाले हैं, बिना ब्रेक की गाड़ी, कई लड़के तो बिना ब्रेक की गाड़ी, वो तो खाली देखेगा पथ बदले है, मारो पथ बदलेगा तो अपवर्तन है, पक्का एकदम कंफर्म है, वो कंफर्म में इसको गिनता है। और यहां सेटर हल्का पेंच लगा दी, पेंच क्या लगा दिया, बिना माध्यम बदले पथ बदले। अपवर्तन में माध्यम बदलने से पथ बदलता है। अगर पेंच लगा दिया कि माध्यम बदलने से पथ बदले तो आप समझ लोगे कि अपवर्तन, और बिना माध्यम पथ बदले तो समझ लोगे कि विवर्तन है। क्वेश्चन, क्या बिना माध्यम बदले प्रकाश का पथ बदल सकता है, हाँ या नहीं? क्या बिना माध्यम बदले प्रकाश का पथ बदल सकता है? तेजी में बोलो, हाँ या नहीं, जल्दी बोलिए, हाँ। किस कारण से? प्रकाश का विवर्तन से। तो ये तो बेस सबका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग प्रकाश के गुण सभी लोग देख चुके, अब बारी है एक दो क्वेश्चन से आपका ब्रेन टेस्ट करने। अब तो मैं पूछ सकता हूं जी किसके कारण होता है, अब आपसे पूछूं हल्का लेवल, लेवल वन, फटाफट मैं जानता हूं सब लोग आंसर देगा, किसके कारण हीरा चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वेरी गुड। अब जल्दी से बता दो किसके कारण टूटे हुए कांच का किनारा चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वेरी गुड। किसके कारण भींगे सड़क पर तेल का सतह चमकता है? प्रकाश का व्यतिकरण। इसी प्रकार किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो इन लेवल वन में आपको कितना मजा आया, अब आपका बुद्धि जांच लेवल टू, थ्री जाते जाते बुद्धि होश में आ जाए, समझ जाओगे कि किसको फिजिक्स का। अभी तो कई लोग इतना फॉर्म में जुटता है कि हमसे क्या पूछा जाएगा, देखो ना अभी थ्री में आते हैं, थ्री आते आते एक क्वेश्चन भी सही करोगे का मतलब है बुद्धि रखे हो। ये रेलवे है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना लेवल पे पूछे, सीबीटी वन में नहीं पूछेगा, टू में पूछ सकता है,
और उसमें ये सभी क्वेश्चन निर्णायक क्वेश्चन इसको कहते हैं। ये जो लड़के बनाएंगे अच्छी बात, हल्का क्वेश्चन तो सब बनाता है, उससे थोड़े कोई पास फेल होता है। हल्का क्वेश्चन गलत कर दोगे तो पास कभी नहीं होगा, ये पक्का है। हल्का सही करोगे तो पास हो गए, ये तय नहीं है। तय करेगा ऐसे प्रश्न जिसको बाकी लोग नहीं बना, निर्णायक अलग चीज होते। और अब जरा ध्यान से समझे लेवल टू पे, लेवल टू में बहुत हल्का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। अब बताओ पहला देखें आंसर करते हो कि नहीं, मुझे उम्मीद है नहीं कर पाए, लेकिन आप भी उम्मीद लगा के रखे हो कि कर ही लेंगे। दोनों के बीच यही द्वंद्व पढ़ाना है और कुछ नहीं। मैं हमेशा प्रयास करूं कि जब लेवल टू थ्री हो जाए तो सोचू गलत करा दूं, और तुम सोचो गलत, ये हो नहीं सकता है। वाह यही मजेदार पढ़ाई, पूरी चलाने वाला सोचे कि एकदम इसको अगर दे दें कि छूट जाए, और ओरिजिनल पेटू वही है कि देना तो खींच देंगे वो ओरिजिनल पेटू। देखे अभी खींच पाते हो कि नहीं। बहुत हल्का क्वेश्चन, चॉइस में पहले से लिख दूं, अपवर्तन, बी व्यतिकरण, सी विवर्तन, विवर्तन और डी ध्रुवन। आपको चॉइस पहले से मैं लिख दिया और आपके लिए अब क्वेश्चन हाजिर है। प्रश्न, आप सभी लोग सीडी डीवीडी का कैसेट देखा हो, तुम जो देखते हो वही कंपटीशन है। भारी मैंने थोड़े देगा कि भारी, तुम डेली देखे हो, अंतिम में पछताते आओ कि देखे थे हम जान नहीं रहे। तो जल्दी बोलो, सीडी कैसेट का सतह रंगीन दिखाई देता है, इंद्रधनुषी दिखाई देता है। बोलना नहीं है, सुनो और हाथ उठाना। सीडी कैसेट का सतह इंद्रधनुषी दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है, इसके लिए प्रकाश का गुण है। कितने लोग को अपवर्तन लग रहा है, हाथ उठा दीजिए। कोई नहीं, अरे बड़ा समझदार हो गया है सब। कितने को व्यतिकरण लग रहा है, वो जरा हाथ उठा दीजिए, व्यतिकरण। अरे व्यतिकरण में तो कम हाथ उठ रहा है जी। कितने को, बहुत बढ़िया, हाँ व्यतिकरण मेरे मोबाइल वाले लोग हैं लगा हुआ, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छा। कितने को विवर्तन लग रहा है, हाथ उठा दीजिए, विवर्तन, बहुत अच्छा। और ध्रुवन कितने को लग रहा है, अरे ध्रुवन भी लग रहा है, भारी नालायक लोग है। प्रकाश के किस, अब देख लिया ना लेवल टू किसे कहते हैं। टीचर रोड तक तेल के सतह चमकाएंगे, अब परीक्षा में सीढ़ी का सिर चमका दिया तो चमक जाओ। इसका दुख की बात है व्यतिकरण आंसर नहीं है, इसीलिए पूछता है। अब बताओ 50-50, अपवर्तन भी नहीं है तो 50-50 दू गायब हो गया। सही आंसर कौन सा है, विवर्तन है। सोच भी नहीं सकते हो कि लेवल टू है, अभी और देर है। खैर अभी मैं ज्यादा नहीं थकाऊंगा, लाइट पूरा कबाब टेस्ट लूंगा। दो वेराइटी के हमारा टेस्ट होता है, लेवल वन और टू। दोनों वेराइटी में वन वाले में अगर 100 क्वेश्चन दे रहे हैं 100 बनना चाहिए, टू वाले में तुम 60 प्लस करते हो, ब्रेन अच्छा रखे हो। और ब्रेन का ही खेला है और कुछ नहीं। हमारे साथ जो पढ़ने वाले लोग हो तेज हो, उसको बहुत मजा आए। पढ़ने वाले नहीं हो, एकदम झूठ मूठ दिन काट रहे हो, बेकार है। फिर ना तो तुम रिजल्ट दोगे और ना तुम में हमारा कोई इंटरेस्ट है। मैं अगर पसीना भी गिरा रहा हूं तो सिर्फ इस सोच के कि कोई कहीं बैठा है, कहीं जुड़ा है, रिजल्ट देगा, मेरा ये पसीना सार्थक होगा और मुझे खुशी होगी कि चलिए इनके सक्सेस जीवन में मेरा भी कुछ सहयोग रहा है। तो अब इसको लिखने की बारी, और सबसे मजेदार अभी अब इकोनॉमिक्स शुरू होगा, अर्थशास्त्र की शुरुआत करेंगे।